हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन जंगड़े और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पीके टेक्निकल। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया M1 माइक की। दोस्तों अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो ये माइक आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ इसलिए मैंने ये माइक फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। दोस्तों आपको अगर ऑनलाइन परचेज करना हो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इस माइक की अनबॉक्सिंग। दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स को कट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें एक बिल देखने को मिलेगा जिसमें आपको वारंटी कार्ड होता है, इसमें आपको यहाँ पर वारंटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है बाय M1। दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपको बोया लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंपली आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रैच कोटिंग, इसको आप स्क्रैच करके इसको आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर बोया की कि माइक आपका ओरिजिनल है या फेक है। दोस्तों बॉक्स को एक बार हम पीछे से देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं इस माइक में, आपको क्या क्या फीचर है आप इसको अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बॉक्स को थोड़ा हम ओपन करके देख लेते हैं इस बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस कवर में यहाँ पर आपका माइक देखने को मिल जाएगा। थोड़ा अंदर देख लेते हैं बॉक्स में और आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, आप इसको रीड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी माइक यूज़ नहीं किया है तो दोस्तों आपको ये रीड जरूर से करना चाहिए, आप इसमें देखकर इस माइक का यूज करना सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कवर की। दोस्तों इसका कवर आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं कवर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर बोया लिखा हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कवर के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है माइक, यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एक बार माइक हम साइड में रख देते हैं, इसके अलावा देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कनेक्टर, आपको यहाँ पर कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर किसी भी एम्पलीफायर में इस माइक का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्प देगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें एक सेल देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एक बार साइड में रख देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर माइक देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पर माइक की लीड देख लेते हैं। दोस्तों माइक की लीड आपको यहाँ पर 6 मीटर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही लॉन्ग होती है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों अब माइक की बात कर लेते हैं। माइक पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक कैमरा का और एक स्मार्टफोन का। अगर दोस्तों आप स्मार्टफोन में यूज करते हैं तो आपको इसको यहाँ पर कर देना है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैमरे में यूज करते हैं तो सिंपली आपको इसको ऊपर कर देना है। दोस्तों कैमरे में यूज करने के लिए आपको इसमें एक सेल की जरूरत पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आपको सेल कैसे लगाना है। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं माइक की। दोस्तों यहाँ पर आप ये माइक देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही होगी। दोस्तों अब यहाँ पर और भी कुछ देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इसमें आपको सेल कहाँ पर लगाना है। दोस्तों आपको सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, यहाँ से आपको इसको खोल लेना है। जैसे आप दोस्तों इसको खोलोगे अंदर आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप इसको यहाँ पर अंदर सेल लगा सकते हैं। जब भी आप किसी DSLR में या कैमरे में आप इस माइक को यूज करो तो आपको यहाँ पर सेल लगाना जरूरी है, इसके बिना आपके DSLR में माइक काम नहीं करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको इस माइक की देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। दोस्तों जो अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरी स्मार्टफोन की आवाज़ है, मैंने यहाँ पर कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बार आपको माइक लगा कर दिखा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इस माइक की आपको ऑडियो कैसी है। तो मैंने यहाँ पर ये माइक चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में माइक लगा दिया है। अब आप दोस्तों आप खुद ही सुन सकते हैं मेरी आवाज़ पहले से कितनी बेस्ट हो चुकी है। दोस्तों ये बोया M1 माइक है, इसकी क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, ऑडियो क्वालिटी है आपको बहुत ज़्यादा बेहतर देता है। दोस्तों आपसे ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।